हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। इस बच्चे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे देवी गंगा का हमारे पृथ्वी लोक पर आगमन हो गया है। आपका पुत्र भाग्यशाली है राजन, इसे सभी देवताओं का सहयोग मिलेगा। इसे भगवान विष्णु, परम पिता ब्रह्मदेव और कैलाशपति भगवान शिव और देवी पार्वती के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। यह बच्चा महापराक्रमी होगा, इस सृष्टि में इसका नाम अमर रहेगा। मैं इसका नाम भगीरथ रखता हूं। भगीरथ, अपना जीवन चाहते हो तो पृथ्वी लोक पर वापस चले जाओ। तुम मेरा मत सोचो विरूपाक्ष, अपने जीवन का सोचो। आज मैं तुम्हें मृत्यु देकर ही जाऊंगा। युद्ध के लिए सच हो जाओ विरूपाक्ष। आक्रमण! हे महेश्वर, आप तो करुणा के सागर हैं, आप अपनी करुणा की वर्षा मुझ पर कर दें। हे आशुतोष, भगवान ब्रह्मदेव ने कहा है केवल आप ही स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर अवतरित होने वाली गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण करके गंगा मैया का वेग खंडित कर सकते हैं। हे त्रिनेत्रधारी, आपने जैसे कामदेव को जलाया था उसी प्रकार पृथ्वी लोक और गंगा अवतरण के बीच जो भी बाधाएं हैं उन्हें जला दें। मुझसे अब सहन नहीं हो रहा महाराज। राजवैद्य जी, महाराज मुझे लग रहा है महारानी प्रसूति काल पूर्ण होने से पहले ही प्रसूत होने जा रही है। इन्हें जो वेदना हो रही है वो प्रसूति वेदना है। आप कृपया बाहर जाइए, सब कुछ ठीक होगा महाराज, चिंता ना कीजिए। महाराज दिलीप, अयोध्या के युवराज ने जन्म ले लिया है। राजन, इस बच्चे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे देवी गंगा का हमारे पृथ्वी लोक पर आगमन हो गया है। आपका पुत्र भाग्यशाली है राजन, इसे सभी देवताओं का सहयोग मिलेगा। इसे भगवान विष्णु, परम पिता ब्रह्मदेव और कैलाशपति भगवान शिव और देवी पार्वती के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। यह बच्चा महापराक्रमी होगा, इस सृष्टि में इसका नाम अमर रहेगा। मैं इसका नाम भगीरथ रखता हूं। भगीरथ? भगीरथ,
मैं इसी समय अयोध्या पर आक्रमण करके युवराज भगीरथ का विनाश कर देना चाहता हूँ। आक्रमण! तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। असुर राज विरूपाक्ष, पहले अपने जीवन की चिंता कीजिए आप। सम्राट भगीरथ की जय! 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 पिताश्री, 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 आप? मैं तपस्या करने जा रहा हूं पुत्र। गंगा मैया को पृथ्वी लोक पर लाने का उत्तरदायित्व नियति ने सूर्यवंश को सौंपा है। पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्या करके अपने अर्जित तपोबल से हमें देवी गंगा को पृथ्वी लोक पर लाना है पुत्र। तभी ही तो हमारे 60,000 पूर्वजों का उद्धार होगा। तभी ही मेरे प्रपितामह महाराज सगर का किया हुआ अश्वमेध यज्ञ का हमारे वंश को फल मिलेगा। भगीरथ, आज से अयोध्या के राजा तुम होंगे। पुत्र भगीरथ, अपने पिताश्री को तपस्या पर जाने से रोको, मत जाने दो इन्हें। अर्ची, तुम मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने से रोकना चाहती हो? आज तक का इतिहास बता रहा है महाराज, न गंगा मैया का इस धरती पर आगमन हुआ है, न ही तपस्या करने के लिए गए हुए हमारे पूर्वज लौटे हैं। विधाता हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? महाराज भगीरथ, बहुत सी नदियां हैं जो हिमालय की टेढ़ी मेढ़ी घाटियों में उलझ कर रह गई हैं। उनके लिए मार्ग बनाकर यदि उनकी एक नदी बनाई जाए तो वो नदी सदा वीरा अर्थात सदैव पानी से भरी नदी बन जाएगी और आसपास का सारा प्रदेश सुजलाम सुफलाम हो जाएगा। महर्षि, जब गंगा मैया का पृथ्वी लोक पर अवतरण होगा तो भी तो हमारा देश सुजलाम सफलाम होगा। राजन, उसके लिए देवी गंगा की जलधारा को हमारे देश के प्रत्येक प्रदेश से ले जाना होगा। महर्षि, आपकी बताई हुई छोटी छोटी नदियां जब गंगा मैया की जलधारा में मिल जाएंगे तो एक धारा होकर सारे भारत वर्ष का कल्याण करेंगी। आपकी सोच बहुत अच्छी है महाराज भगीरथ। सोचा तो है महर्षि, परंतु इस सोच को सत्य होने के लिए गंगा मैया का हम पर प्रसन्न होना आवश्यक है। मेरे पिताश्री तप कर रहे हैं। पितामह,
प्रपितामह, आदि पूर्वज तप करते हुए ही वैकुंठवासी हो गए। उनकी तपस्या से भी गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। न जाने सूर्यवंश को और कितना बलिदान देना होगा गंगा मैया को प्रसन्न करने के लिए। पुत्र भगीरथ, बलिदानियों का क्रम नहीं रुकना चाहिए। गंगा मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्यवंशियों की कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम्हारे पूर्वजों की और मेरी तपस्या अपने यथार्थ फल से वंचित रही और गंगा मैया को पृथ्वी लोक पर लाने में असमर्थ रही है। आपके शब्दों से अविश्वास की झलक आ रही है पिताश्री, ऐसा क्यों? पुत्र, हमारे 60,000 पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा तो हमें भी सदगति नहीं मिलेगी। हमें भी? अर्थात? अर्थात मेरे पिताश्री, पितामह, मेरे प्रपितामह और मैं। तो क्या आप तपस्या करते हुए मैंने अपनी देह त्याग दी है पुत्र? नहीं, नहीं। अब गंगा मैया को पृथ्वीलोक पर तुम्हें लाना है पुत्र, तुम्हें। पिताश्री, 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 पिताश्री। अश्रु बहाते रहोगे तो गंगा मैया को पृथ्वी पर कैसे लाओगे भगीरथ? आप? हम तुम्हारे पूर्वज हैं जो जन्म जन्मांतर के चक्कर में फंसे हुए हैं। हम प्रेत योनि में भटक रहे हैं। हमें मुक्ति चाहिए भगीरथ, हमें मुक्ति चाहिए। हमारे पिता महाराज सगर, भतीजा अंशुमन, तुम्हारे पिता दिलीप सभी तपस्या करते हुए मृत्यु को पा गए हैं। एक तुम ही हो जो उन्हें और हमें मुक्ति दे सकते हो। भगीरथ, गंगा देवी को शीघ्र, अतिशीघ्र पृथ्वी पर ले आओ और हमें पाप ताप शाप से मुक्ति दिला दो। भगीरथ, भगीरथ, भगीरथ। ऐसा कभी नहीं होगा असिलोम। देवी गंगा की तीसरी धारा असुर लोक में ही रहेगी। उसके लिए पहले हमें देवताओं पर प्रतिबंध लगाना होगा। हम शीघ्र ही देवलोक पर आक्रमण करेंगे और समस्त देवताओं को बंदी बना लेंगे। फिर तो देवी गंगा को फिर से असुर लोक में आना ही होगा। अवश्य आएगी देवी गंगा, अवश्य। आप स्वर्गलोक पर आक्रमण करेंगे? नहीं, यह अविचार होगा महाराज। तो सुविचार क्या होगा महर्षि? तपस्या करूं? महाराज, तपस्या से प्राप्त हुए तपोबल में ही वो शक्ति है जो आपकी मनोकामना पूरी कर सकती है। परंतु महर्षि, मनोकामना पूर्ण करने के लिए मेरे पूर्वजों ने तपस्या की, क्या फल मिला? आज महाराज सगर कहां है? कहां है महाराज अंशुमन? कहां है महाराज दिलीप? इतनी कठोर तपस्या से मेरे पूर्वजों का देहांत हो गया, फिर भी गंगा मैया का पृथ्वीलोक पर अवतरण नहीं हुआ। सत्य कहूं महर्षि, तो मुझे तो यही प्रतीत हो रहा है कि तपस्या से गंगा मैया का अवतरण होने वाला नहीं। हमारे 60,000 पूर्वज आज भी प्रेत योनि में भटक रहे हैं, परंतु गंगा मैया को उन पर दया नहीं आई। पर अब मैं तपोबल का नहीं, बाहुबल का प्रयोग करना चाहता हूं। आप आशीर्वाद दीजिए महर्षि, मैं अपने बाहुबल से गंगा मैया को पृथ्वीलोक पर ले आऊंगा। विजयी भव।
गुरुदेव, आपने महाराज भगीरथ को विजय भव आशीर्वाद दिया। हाँ, मैं चाहता हूं कि महाराज भगीरथ गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने में सफल रहे, विजयी रहे। परंतु गुरुदेव, वो तो स्वर्ग लोक पर आक्रमण करना चाहते हैं। इसके पीछे भी प्रभु की कोई लीला होगी। हो सकता है प्रभु महाराज भगीरथ को कुछ संकेत करना चाहते हैं। हे परमपिता, क्या मेरे अवतरण के कारण अब भगीरथ और देवताओं में युद्ध होगा? देवी गंगा, इस समय भगीरथ के मन में अंतर्द्वंद चल रहा है और उस अंतर्द्वंद का दूसरा नाम युद्ध ही तो है। परंतु मैं युद्ध नहीं चाहती विधाता। युद्ध से अधोगति होती है, प्रगति नहीं, हानि ही हानि होती है, लाभ कुछ नहीं होता। इससे तो अच्छा होगा विधाता, मैं पृथ्वी पर अवतरण हो जाऊं। आपका अवतरण साधारण नहीं है देवी गंगा। आपने जो कुमारिका रूप धारण किया है वो चंचल है, वेगवान है। हे त्रिपतगा, जब आपकी तीसरी धारा पृथ्वी लोक पर अवतरित होगी तो उस धारा के वेग से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। पृथ्वी सत पाताल से नीचे चली जाएगी। आपका अवतरण संसार का कल्याण करने की दृष्टि से ही होना चाहिए, संसार के विनाश के लिए नहीं। अतः देवी गंगे, आप युद्ध के विषय से चिंतित मत होइए। ये जान लीजिए कि भगीरथ को स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने की प्रेरणा देकर महाप्रभु स्वयं भगीरथ के गुरु बनना चाहते हैं, उसे कुछ शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। सम्राट भगीरथ की जय! 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 देवेंद्र, आप? प्रणाम। विजय भव। देवेंद्र, मैं स्वर्गलोक पर आक्रमण करने जा रहा हूं और आप मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज भगीरथ, आपका विजयी होना ईश्वरीय संकेत है। आपका यहां आने का प्रयोजन देवेंद्र? मुझे आपकी सहायता चाहिए। किस संदर्भ में? असुर राज विरूपाक्ष स्वर्गलोक पर आक्रमण करने निकला है। विरूपाक्ष प्रबल है महाराज भगीरथ, देवता उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको विनती करने आया हूं। आप देवताओं की सहायता करें और विरूपाक्ष को पराजित करके स्वर्ग लोक पर आने वाले संकट को दूर करें। असुर राज विरूपाक्ष की जय! असुर राज विरूपाक्ष की जय! असुर राज विरूपाक्ष की जय! पिछली बार के युद्ध की पराजय से कोई शिक्षा नहीं ली तुमने, जो फिर चले आए अपने साथियों को लेकर मेरा सामना करने के लिए। विरूपाक्ष, युद्ध का परिणाम सदा एक सा नहीं होता। इस बार तुम्हें युद्ध भूमि छोड़कर भागना होगा। विरूपाक्ष भागेगा? मैं गंगा मैया की तीसरी धारा को असुर लोक में लेकर ही जाऊंगा देवेंद्र। उस धारा पर केवल पृथ्वी लोक वासियों का अधिकार है विरूपाक्ष।
भगीरथ? हां भगीरथ, तुम्हारी मृत्यु। अच्छा, तो ये षड्यंत्र रचा है तुमने? षड्यंत्र नहीं, ये युद्ध नीति है। विरूपाक्ष की नीति के सामने कोई नीति नहीं ठहरती। भगीरथ, अपना जीवन चाहते हो तो पृथ्वी लोक पर वापस चले जाओ। तुम मेरा मत सोचो विरूपाक्ष, अपने जीवन का सोचो। आज मैं तुम्हें मृत्यु देकर ही जाऊंगा। युद्ध के लिए सच हो जाओ विरूपाक्ष। आक्रमण! आक्रमण! महाराज भगीरथ हमें बचाइए, हमारे रक्षक हमें बचाइए, महाराज भगीरथ हमें बचाइए। देवेंद्र, भगीरथ जीवन चाहिए तो देवी गंगा को हमारे अधिकार में दे दो। तो अब तुम्हें मरना ही है भगीरथ। महाराज भगीरथ, आपके पास जो महान अस्त्र है उसका प्रयोग कीजिए। उस अस्त्र के कारण अदृश्य हुआ विरूपाक्ष आपको दिखाई देगा, तब हम सहज ही उसका वध कर सकते हैं। उस महान अस्त्र का प्रयोग कीजिए महाराज भगीरथ। गंगा मैया की रक्षा कीजिए, गंगा मैया की रक्षा कीजिए। हम आपका गौरव करना चाहते हैं महाराज भगीरथ। विराजिए, आज आपने असुर राज विरूपाक्ष का वध करके स्वर्ग लोक को एक भयंकर संकट से बचाया है। देवेंद्र, विरूपाक्ष से भी भयंकर संकट आपके सामने खड़ा है। मैं समझा नहीं महाराज भगीरथ। जो सोचकर विरूपाक्ष ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया था, वही सोचकर अब मैं स्वर्गलोक पर आक्रमण करूंगा। मगर क्यों? मुझे गंगा मैया को पृथ्वीलोक पर ले जाना है। आक्रमण करके? कहीं आप अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो बैठे महाराज भगीरथ? मैं अपने अस्त्र शस्त्रों की निपुणता से और अपने बाहुबल से स्वर्ग लोक का संतुलन बिगाड़ दूंगा। क्षमा कीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। कौन रोकेगा मुझे? आप? देवता? गंधर्व? कौन? मैं सबको युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। Thank you.
जब मैं स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करूंगा तब तो मैं गंगा मैया को पृथ्वी पर ले जा सकता हूं। तो आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। सम्राट भगीरथ, आपने देवताओं की सहायता की है, अतः आप देवताओं के मित्र हैं और हम अपने मित्र से कभी युद्ध नहीं करते। देवेंद्र, मैं आपकी माया से भली भांति परिचित हूं। आज मैं गंगा मैया को पृथ्वी लोक पर ले जाने आया हूं और ले जाकर ही रहूंगा। आक्रमण! सम्राट भगीरथ की जय! सम्राट भगीरथ की जय! सम्राट भगीरथ की जय! सम्राट भगीरथ की जय! कब तक गंगा मैया को मुझसे छुपा कर रखेंगे? ये मायावी युद्ध कब तक खेलते रहेंगे? आप ही के कारण मेरे 60,000 पूर्वज तपाग्नि में जलकर राख हुए हैं। मैं गंगा मैया को पृथ्वी लोक पर ले जाना चाहता हूँ। यदि इसी समय गंगा मैया मेरे सामने प्रकट ना हुई तो मैं स्वर्गलोक में हाहाकार मचा दूंगा। अपनी क्रोधाग्नि से मैं स्वर्गलोक को जलाकर राख कर दूंगा। जागो भगीरथ, तुम अनर्थ करने जा रहे हो। गंगा मैया का पृथ्वी लोक पर होने वाला अवतरण अनर्थ नहीं करेगा। पृथ्वी का विकास अवश्य होगा भगीरथ, परंतु तुम तो विनाश के पथ पर चल रहे हो। तुम अपने बाहुबल का, अपनी अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुणता का कितना भी प्रयोग कर लो, देवी गंगा इस प्रकार पृथ्वी लोक पर अवतीर्ण नहीं होंगी। होगी, अवश्य होगी। परंतु तपस्या के प्रभाव से, और केवल तपस्या के प्रभाव से। नहीं, मैं तपस्या नहीं करूंगा। ये अविचार होगा भगीरथ। अविचार तो मेरे पूर्वजों ने किया था जो तपस्या की, यहां तक कि तपस्या करते हुए अपने प्राण तक त्याग दिए, फिर भी गंगा मैया का अवतरण पृथ्वी पर नहीं हुआ। जो त्याग, जो समर्पण मेरे पूर्वजों ने किया है, उतना त्याग उतना समर्पण किसी ने भी नहीं किया, फिर भी गंगा मैया अवतरित नहीं हुई। क्यों? क्या कमी थी मेरे पूर्वजों की तपस्या में? अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मैं गंगा मैया को लेने आया हूं और उन्हें पृथ्वी लोक पर लेकर ही जाऊंगा। मैं अपना अस्त्र छोड़ रहा हूं। रुक जाओ। यदि तुम्हारा यही हट है तो गंगा मैया तुम्हारे साथ पृथ्वी लोक पर आएंगी। परंतु क्या तुम गंगा मैया को ले जा सकोगे? उसी के लिए तो मैं आया हूं। तो कर लो अपनी इच्छा पूरी, ले जाओ गंगा मैया को।
रक्षा कीजिए, सम्राट भगीरथ हमारी रक्षा कीजिए, सम्राट भगीरथ रक्षा कीजिए। ये क्या हो रहा है? ये सत्य की एक झलक है भगीरथ। देवी गंगा की जलधारा में इतना वेग है कि सामान्य जन उसे झेल नहीं पाएंगे। यदि ऐसा है तो मैं क्यों नहीं बह गया? तुम्हारे पास तुम्हारे पूर्वजों की तपस्या का तपोबल है जिसने तुम्हें बह जाने से रोक रखा है। देवी गंगा को यदि तुम बल से ले जाना चाहोगे तो जैसे तुम्हारी सेना का विनाश हुआ उसी तरह पृथ्वीलोक का भी विनाश होगा। मुझे क्षमा कीजिए भगवान, मैं सत्य में हट कर रहा था। तपस्या का महत्व मेरी समझ में आ गया है। मैं तपस्या करूंगा और अपने तपोबल से गंगा मैया को पृथ्वीलोक पर ले जाऊंगा। तथास्तु। स्वामी मत जाइए, स्वामी रुक जाइए। युवराज मैं तपस्या करने जा रहा हूं, पृथ्वी लोक के कल्याण और विकास के लिए अपना योगदान देने जा रहा हूं। सूर्यवंश ने जो गंगा मैया के अवतरण के लिए आज तक त्याग किया है मैं उसे सफल बनाने के लिए जा रहा हूं। परंतु मैं यदि असफल रहा तो अपने पितरों को मोक्ष दिलाने का कार्य तुम्हें करना होगा। सूर्यवंशी प्राण दे सकता है युवराज, अपना वचन भंग नहीं कर सकता। और हमने गंगा मैया को पृथ्वीलोक पर लाने का वचन दिया है संसार को। सूर्यवंशियों की त्याग और समर्पण की परंपरा आपको भी निभानी है। नहीं। कृपया आंसू मत बहाइए और मेरी तपस्या सफल होने की कामना कीजिए। स्वामी। नहीं माताश्री, सृष्टि के विकास और कल्याण में आप अपने आंसुओं की बाधाएं मत खड़ी कीजिए। प्रणाम गंगा मैया। कल्याण मस्तु। वत्स भगीरथ, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि क्यों तुम्हारे पूर्वजों की इतनी तपस्या करने के पश्चात भी पृथ्वी लोक पर मेरा अवतरण नहीं हुआ। वत्स, मैं भी पृथ्वी लोक पर आने के लिए उत्सुक हूं। समस्त पृथ्वी लोकवासी मेरी ही तो संतान है। कौन सी मां नहीं चाहेगी अपनी संतान का भला करना? परंतु मैं विवश हूं पुत्र, असुरों के पाप धोते धोते मैं स्वयं मलिन हो गई हूं। मेरी मलिनता जब नष्ट होगी तभी तो मैं पृथ्वी लोक पर अवतीर्ण हो सकूंगी। भगवान कपिल, महर्षि जनु जैसे दिग्गजों की तपस्या के प्रभाव और तुम्हारे पूर्वजों की तपश्चर्या से मेरा मलिनत्व नष्ट होने लगा है। अब जब तुम तपस्या करोगे तो मैं पहले जैसी बन जाऊंगी और पृथ्वी लोक पर आ जाऊंगी। वत्स भगीरथ, भगवती आदि शक्ति ने मुझे परमपिता ब्रह्मदेव की सहायता करने के लिए भेजा है। तुम तपस्या करके
विधाता ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लो। विधाता ही तुम्हें मेरे पृथ्वी लोक पर होने वाले अवतरण का मार्गदर्शन करेंगे। जो आज्ञा गंगा मैया। आदिदेव नमस्तुभ्यम्, प्रसीद मम भास्करम्, दिवाकर नमस्तुभ्यम्, प्रभाकर नमस्तुते, सप्ताश्वर धर्मारुह, प्रचंड कश्यापतिजम्, श्वेत पद्माधम्, देवं त्वं सूर्यं प्रणाम्यहम्। संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव को भगीरथ का प्रणाम। शुभम भवतु। हे सूर्यदेव, आप जानते हैं अब तक सूर्यवंशी अपने पितरों को मोक्ष नहीं दे सके हैं। मैं भी इस कलंक को मिटाने का प्रयास करना चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है वत्स। अपने पितरों को मोक्ष दिलाने में तुम अवश्य यशस्वी होगे। मुझे तुम्हारे शौर्य पर, तुम्हारे बाहुबल पर, तुम्हारे मनोबल पर पूरा विश्वास है। तपस्या के लिए मनोबल की परम आवश्यकता होती है, जो तुम्हारे पास है। इसी मनोबल पर तुमने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया था। अब इसी मनोबल पर कठोर तपस्या करके तुम देवी गंगा की तीसरी धारा को पृथ्वी लोक पर ले आओगे। तुम्हारे इस कार्य सफलता के बाद केवल सूर्यवंशियों को ही नहीं, समस्त पृथ्वी लोक वासियों को तुम पर गर्व होगा। यशस्वी भव। महाराज भगीरथ, आपकी तपस्या का उद्देश्य केवल गंगा उतरना नहीं है, आपको गंगा मैया को रसातल तक ले जाना है, जहां आपके पितरों की राख पड़ी है। मैं गंगा मैया को रसातल तक ले जाऊंगा गुरुदेव। कैसे? आप रसातल जाने का मार्ग जानते हैं? वैसे भी त्रिपथगा गंगा की एक धारा प्रवाहित होने वाली है, उस एक धारा में इतनी क्षमता नहीं होगी महाराज भगीरथ कि वो धूप सहती हुई रसातल जा सके। अतः हिमालय की स्वर्णा, वैसावी, रुद्रा, कर्णा और रेवपगा नदियों को गंगा की धारा में आपको मिलाना होगा। ये सारी नदियां वही हैं, गर्मी में सूख जाती हैं और ठंड में जम जाती हैं। इन नदियों को गंगा की धारा में मिलाने से न केवल आपके पितरों का उद्धार होगा, बल्कि यह धरती भी सुफलाम सुजलाम हो जाएगी। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा गुरुदेव। महाराज भगीरथ, तपस्या आरंभ करने से पहले यदि आप रसातल में जाकर भगवान कपिल मुनि का आशीर्वाद ले लें तो आपकी तपस्या सफल हो जाएगी। मैं भगवान कपिल मुनि का आशीर्वाद अवश्य लूंगा गुरुदेव। आप द्वारा पृथ्वीलोक का कल्याण हो महाराज भगीरथ। हे समुद्र राज, मुझे रसातल जाने का मार्ग दिखाकर अनुग्रहित कीजिए। कल्याणमस्तु। आओ भगीरथ, मेरे राज्य से होकर तुम रसातल में चले जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी।
भगवान कपिल। भागीरथ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा कल्याण, मेरे पूर्वजों के उद्धार और कल्याण में निहित है भगवान। अपने पूर्वजों का उद्धार कराने के लिए गंगा मैया का पृथ्वीलोक पर अवतरण हो, उसके लिए मैं तपस्या करना चाहता हूं। भगवान, मैं चाहता हूं मेरी तपस्या को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है भागीरथ। पुत्र वही है जो अपने पितरों को मुक्ति दे। तुम्हारे पिता पुमान नाम के नरक में है, वो मुक्ति चाहते हैं। जब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक किसी भी यज्ञ का फल सूर्यवंश को नहीं मिलेगा। वत्स भगीरथ, जब देवी गंगा का पृथ्वीलोक पर अवतरण होगा, तब उसकी जलधारा को तुम्हें यहां रसातल में लेकर आना है। फिर अपने सभी पितरों का नाम लेकर तुम गंगा जल से तर्पण करो। तो क्या मेरे पितरों को मोक्ष मिलेगा? हां भगीरथ, वो सारे निश्चित रूप से पुमान नरक से निकलकर मोक्ष पाएंगे। मैं अनुग्रहित हुआ हूं भगवान। तुम्हारी तपस्या सफल हो वत्स। हाँ महादेवी, भगीरथ ने तपस्या के लिए गोकर्ण जैसा पवित्र स्थान चुना है। उसका सारा ध्यान गंगा पर ही केंद्रित है। तपस्या करते हुए वो अशरीरी होकर भू, भुव, स्व इन लोकों से ऊपर मह में आ गया है। उसे अब केवल काला आकाश ही दिखाई दे रहा है। परंतु वो तो गंगा देवी को ढूंढ रहा होगा। गंगा देवी को पाना ही उसका उद्देश्य है, इसीलिए वो मह से भी ऊपर जाकर देवी गंगा को ढूंढने का प्रयास करेगा और आकाश गंगा पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। ओ शो, भगीरथ की तपस्या से किसका कल्याण होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन असुरलोक का कल्याण अवश्य होगा। असलोम, इसी भगीरथ ने हमारे महाराज वीरूपाक्ष का वध किया है। हम उसकी तपस्या कभी भी सफल नहीं होने देंगे, अर्थात असुरलोक का अकल्याण कभी नहीं होगा। हाँ, यदि त्रिपथगा देवी गंगा की तीसरी धारा असुरलोक में अवतीर्ण नहीं हुई, तो हम देवी गंगा को पृथ्वी लोक पर अवतीर्ण होने नहीं देंगे, कभी नहीं। ये तो कठोर तपस्या कर रहा है, तो हम भी इसे कठोर से कठोर दंड देंगे, मृत्यु दंड। Ha 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 ha!
असिलोम और चिक्षु का वध करके प्रभु ने समस्त लोगों को संकेत दे दिया है कि जो कोई भी पृथ्वी लोक के विकास में बाधाएं खड़ी करने का प्रयास करेगा उसका विनाश होगा। वत्स भगीरथ आंखें खोलो। हे विधाता, आपने दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित किया। तपस्वी भगीरथ, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। आप बहुत दयालु हैं परम पिता। मांगो वत्स, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने और तुम्हें वर देने के लिए उत्सुक हूं। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए विधाता, मैं चाहता हूं आपके वरदान से पृथ्वी लोक का कल्याण हो, विकास हो और मेरे पितरों का उद्धार हो। वत्स भगीरथ, तुम एक आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श शिष्य, आदर्श राजा और आदर्श समाज सेवक हो। तुम्हारी समर्पित भावना ने मुझे अधिक प्रसन्न किया है। हे चतुर्मुख ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, आपको विदित है सूर्यवंशी कुल किस लिए तपस्या कर रहा है। हम सभी गंगा मैया को पृथ्वी लोक पर लाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे 60,000 पितरों को मेरे द्वारा देवी गंगा के पवित्र जल से तिलांजलि दी जाए और उन्हें शीघ्र ही मुक्ति मिल जाए। तथास्तु। और एक बात परमपिता, अपने बल का प्रयोग करके मैं देवी गंगा को पृथ्वी लोक पर ले आना चाहता था। तब मुझे गंगा मैया की जलधारा के भयंकर वेग का साक्षात्कार हुआ। हे विधाता, यदि गंगा मैया स्वर्ग लोक से सीधा पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगी तो अनर्थ होगा। समस्त पृथ्वी लोक गंगा मैया के वेग को सहन नहीं कर पाएगा और सप्त पाताल के नीचे चला जाएगा। इसीलिए गंगा मैया को पृथ्वी लोक पर अवतरित होते समय आप गंगा मैया के वेग को नियंत्रण करने का कोई उपाय बता दीजिए। वत्स भगीरथ, तुम महान हो, सूर्यवंश का ही नहीं समस्त भारतवर्ष के भूषण हो तुम। तुमने केवल अपने कुल और अपने पितरों के बारे में नहीं सोचा किंतु समस्त पृथ्वी लोक के हित के बारे में सोचा है। वत्स, पृथ्वी पर गंगा मैया की जलधारा के वेग को नियंत्रण करने के लिए पहले वो जलधारा पृथ्वी लोक की बजाय किसी दूसरे स्थान पर गिरनी चाहिए। वो कौन सा स्थान है परमपिता जो गंगा मैया की जलधारा के वेग को सहन कर सकता है? आशुतोष महादेव शिव शंकर ही हैं जो उस वेग को सहन कर सकते हैं। तुम उनकी शरण में जाओ वत्स, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भोलेनाथ, देखिए तो भगीरथ कितनी कठोर तपस्या कर रहा है। ओम नमः शिवाय। इस महान तपस्वी ने विधाता ब्रह्मदेव और गंगा दीदी को अपने तप से प्रसन्न कर दिया है।
अब आप भी उस पर अनुग्रह करके गंगा अवतरण का आधार बन जाइए। ओम नमः शिवाय। आप तो अंतर्यामी हैं, जानते हैं भगीरथ अपने स्वार्थ के लिए तपस्या नहीं कर रहा है, अपने 60,000 पितरों की मुक्ति के लिए और सारी सृष्टि के जीवों के कल्याण के लिए कर रहा है। महादेव, भगीरथ की इच्छा पूर्ति केवल आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो वत्स। ओम नमः शिवाय। भगीरथ, आंखें खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं भगीरथ। आपके दर्शनों से मैं धन्य हुआ प्रभु। कर चरण कृत वाक कायज कर्म जवा श्रवण नयन जवा मान संत्यावराधम विहित वा सर्व में तत् शमस्व जय जय करुणाविधे श्री महादेव शंभु। हे भगवान महादेव शिवशंकर, अज्ञानवश मुझसे कोई भूल कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हे शंभु, हे महेश्वर, आप तो करुणा के सागर हैं, आप अपनी करुणा की वर्षा मुझ पर कर दें। हे आशुतोष, भगवान ब्रह्मदेव ने कहा है केवल आप ही स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर अवतरित होने वाली गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण करके गंगा मैया का वेग खंडित कर सकते हैं। हे त्रिनेत्रधारी, आपने जैसे कामदेव को जलाया था उसी प्रकार पृथ्वी लोक और गंगा अवतरण के बीच जो भी बाधाएं हैं उन्हें जला दें। हे नीलकंठ, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरे उद्देश्य की पूर्ति करके मुझे अनुग्रहित करें। भक्त भगीरथ, तुम महान हो, तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति अवश्य होगी। भगीरथ, देवी गंगा का जब स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर अवतरण होगा तो देवी गंगा की जलधारा के वेग को धीमा करने के लिए हम देवी गंगा की जलधारा को अपनी जटाओं में धारण कर लेंगे। जो समाचार प्राप्त हुआ है उसके अनुसार महाराज भगीरथ की तपस्या सफल हुई है, अब गंगा अवतरण होगा। अब गंगा मैया का पृथ्वी लोक पर अवतरण होगा। अब गंगा अवतरण होकर रहेगा। Thank you.
अनहोनी अनहोनी में बदल गई। होने वाला गंगा अवतरण रुक गया। अब भगीरथ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या करेगा? जटाट विगलज जल प्रवाह पावित स्थले गणेव लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड्ड मड्ड मड्ड मन्निनाद वड्ड मर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरि विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्जल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम अखर्व सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी बृजंभणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे ओम नमः शिवाय हे देवादी देव, आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं मेरी? मैं गंगा मैया की पवित्र जलधाराओं के अवतरण की अपेक्षा में खड़ा हूं, परंतु एक बूंद भी पृथ्वीलोक की धरती पर नहीं गिरी है। मेरे गुरुजनों का कहना था कि मैं अपने 60,000 पितरों को मुक्ति दिला दूंगा, परंतु आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हे महेश्वर, मेरा मन इस समय निराशा में व्याप्त है। यदि इतनी तपस्या के पश्चात भी गंगा मैया का अवतरण नहीं होगा तो मुझे जीवन में कोई रुचि नहीं है। ऐसे जीवन को तो त्याग देना चाहता हूं मैं, जो अपने पितरों को मोक्ष नहीं दिला सकता। हे कैलाशपति, हे भोलेनाथ, मैं आपको अपना सिर कमल अर्पण करने जा रहा हूं। कदाचित मेरे प्राण त्यागने के पश्चात ही गंगा मैया का पृथ्वी लोक पर अवतरण होने वाला हो। वत्स भगीरथ, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। देवी गंगा का अवतरण पृथ्वी लोक पर अवश्य होगा। तुम्हारी कठोर तपस्या से देवी गंगा पृथ्वी लोक पर प्रवाहित होंगी, इसलिए पृथ्वी लोक पर बहने वाली देवी गंगा को आज से भागीरथी नाम से भी जाना जाएगा। वत्स भगीरथ, जहां तुम खड़े हो वहां ही ब्रह्म कुंड है। मैं इसमें देवी गंगा की तीसरी धारा को छोड़ता हूं। तुम्हारा कल्याण हो।
गंगा मैया, पृथ्वी लोक पर आपका स्वागत है। हे भगीरथ, तुम और तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे पृथ्वी लोक पर लाने के लिए जो घोर प्रयत्न किए हैं, वो भविष्य में भी हर पृथ्वी लोकवासी को अपना सद्हेतु साध्य करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। वत्स भगीरथ, अब तुम मेरे मार्गदर्शक बनो और इस पृथ्वी लोक पर जहां तुम मुझे ले जाना चाहते हो ले चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। जैसी आपकी आज्ञा गंगा मैया। गंगा मैया की ये एक धारा पृथ्वी का भेदन करके रसातल तक कैसे जाएगी? हे भगीरथ, स्वर्ण नदी और देवी गंगा की तीसरी धारा का मिलन स्वर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाएगा। स्वर्ण प्रयाग में स्नान करने वालों को पाप ताप और श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। हे देवादिदेव, क्या भगीरथ अब देवी गंगा को वैष्णवी नदी से मिलाएगा? हाँ महादेवी, देवी गंगा की पवित्र जलधारा से पृथ्वी सुजल सफल संपन्न हो, यही तो भगीरथ की कामना है। इसीलिए भगीरथ देवी गंगा की जलधारा को नदियों से मिलाते हुए रसातल की ओर बढ़ रहा है। जब वैष्णवी नदी में गंगा की जलधारा मिल जाएगी तब वैष्णवी नदी पावन हो जाएगी और ये मिलन विष्णु प्रयाग कहलाएगा। रुद्रा नदी मिलेगी। देवी, रुद्रा और गंगा की जलधारा का मिलन रुद्र प्रयाग कहलाएगा। जय रुद्र प्रयाग, हर हर गंगे। हे भगीरथ, रुद्र प्रयाग में स्नान करने वाले हर किसी के पाप धुल जाएंगे। मैया, आगे करणा और देवापगा नदियां हैं, आपको उन्हें भी पवित्र करना है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते नमो नमः नमो नमः। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते नमो नमः नमो नमः। देवेंद्र, ये क्या? गंगा मैया तो जनहू ऋषि के आश्रम की तरफ जा रही है। ओम भूर्भुव स्वाहा। गंगा मैया उस ओर नहीं, इस ओर आइए, इस ओर। वत्स भगीरथ, मैं अपने प्रवाह को बदल नहीं सकती। परंतु उस ओर जनहू ऋषि का आश्रम है मैया। रुक जाइए गंगा मैया, रुक जाइए, ये तो अनर्थ हो जाएगा। देवस्य धीमहि। गंगा मैया तो जनहू ऋषि का आश्रम ध्वस्त कर देगी। महर्षि जनहू हमारे रक्षा कीजिए। रुक जाइए गंगा मैया, रुक जाइए।
वत्स, मैं अब नहीं रुक सकती। स्वर्णा, वैष्णवी, रुद्रा, कर्णा और देवापगा से मिलने के पश्चात मेरे प्रवाह को गति मिल गई है। अब रुकना मेरे बस में नहीं है। मुझे भय लग रहा है कि गंगा मैया की पृथ्वीलोक पर अवतीर्ण हुई तीसरी धारा कहीं महर्षि जनू का यज्ञ ध्वस्त न कर दे। इतनी उन्मत्त हुई हो जो यज्ञ ध्वस्त करते हुए जा रही हो। असुरों के पापों को मुक्ति देते देते तुम में भी आसुरी प्रवृत्तियों का उद्गम हो गया है। तुम्हें दंड मिलना ही चाहिए। नहीं महर्षि, नहीं। गंगा मैया को क्षमा कीजिए। उन्होंने जानबूझकर आपका आश्रम और यज्ञ ध्वस्त नहीं किया है। महाराज भगीरथ, अपराध अपराध होता है, चाहे वो जाने में किया गया हो या अनजाने में। परंतु महर्षि, गंगा मैया तो पृथ्वीलोक का विकास करने के लिए पृथ्वीलोक पर अवतरण हुई है। रक्षा कीजिए महर्षि। इसे आप क्या कहेंगे महाराज भगीरथ, विकास अथवा विनाश? गंगा का ये अपराध दंडनीय है और गंगा को दंड मिलेगा। गंगा को जो आज अपने वेग पर अभिमान हो गया है, मैं अपने तपोबल से उस अभिमान पर ही आघात करूंगा। हे दशो दिशाओं, हे दिक्पालों, हे देवताओं, हे सृष्टिपाल को, सृष्टि चाल को, यदि मैंने केवल सृष्टि का हित ध्यान में रखते हुए तपोबल अर्जित किया है तो देवी गंगा की उद्दंडता को दंड देने के लिए मुझे शक्ति दीजिए, ताकि फिर कोई भी देवता या असुर ऋषि मुनियों के आश्रम या यज्ञ ध्वस्त करने की धृष्टता न करे। मैं गंगा की इस वेगवती धारा को पीने जा रहा हूं। गंगा मैया, देवी गंगा की तीसरी धारा मेरे उदर में विश्राम कर रही है। परंतु मैं तपस्या करने जा रहा हूं। हमें मुक्ति दे दो भगीरथ, हमें मुक्ति दे दो। आप? हम वही हैं तुम्हारे दुर्भाग्यशाली पूर्वज। अभी भी हम प्रेत योनि में भटक रहे हैं। गंगा मैया का पृथ्वी लोक पर आगमन होते ही हमें अपनी मुक्ति की आहट लगी थी। परंतु अब ऐसा लग रहा है कि वो एक सपना था। वत्स भगीरथ, एक बार हमसे भूल हुई थी। क्या? हमने महर्षि जन्हू का अपमान किया था। तब उन्होंने हमें शाप देते हुए कहा था कि वो हमारी मुक्ति में बाधा खड़ी कर देंगे, और आज उन्होंने अपना वचन सत्य करके दिखाया, बाधाएं खड़ी कर दी। यदि अपने तपोबल से जन्हू ऋषि ने गंगा मैया को मुक्त ना किया तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। हम इसी तरह प्रेत योनि में भटकते रहेंगे। बस भगीरथ, तुम महर्षि जन्हू को प्रसन्न करो और उनके तपोबल से गंगा मैया को मुक्त करवा दो, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। हमें मुक्ति दिला दो भगीरथ, हमें मुक्ति दिला दो भगीरथ, हमें मुक्ति दिला दो भगीरथ।
हे त्रिदेवो, अब क्या होगा? क्या मेरा अवतरण व्यर्थ हो जाएगा? देवी गंगे, आपकी निर्मिति सृष्टि के विकास के लिए हुई है। आप साक्षात महाप्रभु के चरणों से निर्माण हुई हैं, इसीलिए आपको विष्णुपदी कहा जाता है। प्रभु के चरणों से आपका उत्पन्न होना आपको जन्मतः पतित पावनी बना देता है। फिर आपको पितामह ब्रह्मदेव ने अपने कमंडलों में धारण किया और आपका पावन करने का गुण धर्म बढ़ गया। आप असुरों के कारण मलिन हुई थी, इसलिए पृथ्वी लोक पर आने से पूर्व भोलेनाथ शिव शंकर ने आपको अपनी जटाओं में धारण करके आपकी मलिनता धो डाली। यदि फिर भी मलिनता बची हो तो उसे नष्ट करने के लिए महर्षि जन्हू ने आपकी तीसरी धारा का प्राशन कर लिया है। देवी, महर्षि जन्हू का तपोबल आपको मिल गया है, जिससे आपका शुद्धिकरण हो गया है, जो पृथ्वीलोक वासियों के पाप ताप शाप नष्ट करने के लिए आवश्यक था। अब जब आप फिर से पृथ्वीलोक पर प्रवाहित होंगी, तब पतित पावनी पाप ताप शाप नाशिनी बनकर ही प्रवाहित होंगी। इसका अर्थ है प्रभु, ये सब आपकी लीला है। हे महर्षि, मुझ पे दया कीजिए, अब आप ही हमारे तारनहार हैं, आप ही मेरे पितरों का उद्धार कर सकते हैं, आप ही पृथ्वीलोक वासियों का कल्याण कर सकते हैं। हमारी गंगा मैया हमें लौटा दीजिए। महर्षि महर्षि जन्हू, कृपा करके रुक जाइए, रुक जाइए महर्षि। यदि गंगा मैया से आपका अपमान हुआ है और आपका कोई अपराध हुआ है तो वो मेरे कारण हुआ है। उस अपमान का, उस अपराध के दंड का अधिकारी मैं हूं, गंगा मैया नहीं। आप जो चाहे मुझे दंड दीजिए, परंतु गंगा मैया को फिर से प्रकट कर दीजिए। पूजा स्वीकार कीजिए महर्षि। मैं जानता हूं महर्षि, आप क्रोधित नहीं हैं, आपको क्रोध आ ही नहीं सकता। एक महान तपस्वी होते हुए और एक महान ऋषि होते हुए आप अपने क्रोध पर विजय पा चुके हैं। गंगा मैया की पवित्र जलधारा को आपका प्राशन करना आपकी लीला है महर्षि, जिसका हेतु पृथ्वी लोक का कल्याण ही हो सकता है। अब आप कृपावंत होइए और गंगा मैया की जलधारा को प्रकट कीजिए। वत्स भगीरथ, तुम एक महान आत्मा हो, पृथ्वी लोक के कल्याण हेतु ही तुमने जन्म लिया है। मेरा ये जन्म तब सार्थक होगा महर्षि, जब आप गंगा मैया की पवित्र जलधारा को प्रकट करेंगे। मैं गंगा मैया की जलधारा को प्रकट कर रहा हूं वत्स। इस क्षण से देवी गंगा जानवी नाम से भी जानी जाएंगी।
स्वागतम सुस्वागतम नमस्तेस्तु महाशुद्धा महास्वच्छा महा